नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपना यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें अपने ब्राउज़र में जाना है और अपना यूट्यूब ओपन करना है, जो भी हमारा जिससे भी बनाना है। तो जैसे यूट्यूब ओपन किया मैंने यहाँ, और यहाँ हमें यहाँ देखना है, यहाँ ऊपर प्रोफाइल दिख रही होगी अपनी, तो उस प्रोफाइल के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑप्शन आएगा ये वाला, क्रिएट ए चैनल। तो इस पर हमें सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे सामने ये आएगा कि योर क्रिएटर जर्नी बिगिंस। तो हम करते हैं गेट स्टार्ट, या आप नो थैंक्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि ये आपको पहले बताएगा कि आपको चैनल का नाम क्या रखना है। तो जैसे मेरा ये एक, तो ये हमारा जो नाम होगा पहले आईडी पे, जो भी हमारी ईमेल आईडी पे होगा वो आएगा, और उसके बाद है कि हम यहाँ कस्टम नाम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा यही वाला रहने देता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ इसको। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें ये डायरेक्ट रिडायरेक्ट करेगा अपने यूट्यूब स्टूडियो पे। तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा आ गया यूट्यूब स्टूडियो। तो यहाँ हमें ये सारी डिटेल्स दिखाएगा, यहाँ हम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं अपने चैनल का कि हमारा चैनल किस चीज़ के बारे में, यहाँ आप कुछ भी डिटेल्स डाल सकते हो। यहाँ आप अपनी जो भी वो है यूआरएल, कोई भी आपकी वेबसाइट है तो उसकी लिंक दे सकते हो यहाँ एड यूआरएल में। यहाँ आप अपने फेसबुक का लिंक दे सकते हो, यहाँ अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और सबका दे सकते हो। तो मैं इसको सिंपल सा भी सेटअप लेटर पे क्लिक करता हूँ और आगे की प्रोसेस हम जानते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि ये हमारा चैनल ओपन हो गया है। तो इसमें हम जैसे अभी क्या करना होता है, जैसे ही अभी जाते हैं हम अपने स्टूडियो में, तो यहाँ जैसे ही प्रोफाइल पे वापस क्लिक करेंगे, यहाँ हमारे सामने आ जाएगा योर वो यूट्यूब स्टूडियो। तो जैसे ही हम यूट्यूब स्टूडियो में आ गए, यहाँ हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, तो मैं सिंपल से साइड में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमें दिखाएंगे हमारे जो सब्सक्राइबर्स है वो, कि हमारे कितने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। अभी जीरो दिखा रहा है क्योंकि हमने अभी नया नया स्टार्ट आज ही ओपन किया इसको। तो यहाँ से हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके सेलेक्ट फाइल करनी है जहाँ भी हमारी फाइल है। तो इसके बाद जैसे यहाँ से अपलोड होने के बाद हमें यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद क्या होता है, जैसे हम कस्टम थंबनेल्स वगैरह अगर हमें यूज़ करने होते हैं तो उसके लिए हमें पहले ऑप्शन अनेबल करना पड़ता है। तो यहाँ चलते हैं हम चैनल में। चैनल पे जाने के बाद यहाँ आप कोई सी भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ चैनल के कीवर्ड्स डाल सकते हो कि किस कौन सा कीवर्ड लगाए तो आपका चैनल सर्च में आए। तो यहाँ से ये कीवर्ड्स हो गए। यहाँ एडवांस सेटिंग में हमें जाना है। एडवांस सेटिंग में यहाँ आप ये कर सकते हो कि जैसे ये वीडियो किसके लिए, मेड फॉर किड्स है या नहीं है, वो आप कर सकते हो। यहाँ से है डिस्प्ले वो पीपल सब्सक्राइब टू यू, मतलब जितने भी आपके सब्सक्राइबर होंगे वो यहाँ काउंट अपने आपके चैनल पे काउंट होने चाहिए या नहीं। इसके बाद आता है फीचर्स। फीचर्स में हमें देखेंगे, एक तो डिफ़ॉल्ट फीचर्स जो है ये तो अनेबल्ड है, लेकिन ये जो नीचे वाला है फीचर द रिक्वायर्ड फोन वेरिफिकेशन, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। इसके लिए जैसे इसमें क्या होता है, जैसे इसमें वीडियो 15 मिनट से ऊपर की अपलोड कर सकते हैं, कस्टम थंबनेल्स लगा सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और अप्लाइंग कॉन्टैक्ट आईडी क्लेम्स कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें अपने फ़ोन नंबर वेरीफाई करना पड़ता है। तो जैसे मैं फ़ोन नंबर वेरीफाई करता हूँ, यहाँ हमें सिंपल सा फ़ोन नंबर वेरीफाई पर क्लिक करना पड़ता है। और यहाँ आप चूज़ कर सकते हो आपको वॉइस कॉल चाहिए या टेक्स्ट मैसेज चाहिए, तो मैं सिंपल सा टेक्स्ट पे करता हूँ। और यहाँ लगाना है हमें अपने जो भी नेम वगैरह वो नंबर है वो, तो मैं डाल देता हूँ। इससे पहले आपको क्या करना है, नंबर के पहले आपको जीरो लगाना कंपलसरी है। जीरो लगाने के बाद हमें सीधा पहले जीरो लगा के फिर अपने 10 डिजिट के मोबाइल नंबर डालने और उस पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हमारे फ़ोन पे एक SMS आएगा जो 6 डिजिट का वो बोलते हैं जो कोड आएगा। तो जैसे यहाँ हमें कोड डालना है, तो मैं कोड डाल देता हूँ जैसे यहाँ
कोड डाल के हमें सबमिट करना होता है। तो ये हो गया हमारा सबमिट। सबमिट करने के बाद हमें वापस उसी पे जाना है। इस पे जाके हमें इसको पहले सेव कर देते हैं। सेव करके वापस देखेंगे हमारे सेटिंग में, सेटिंग पे खोल के चैनल फीचर ये देख सकते हैं, ये अनेबल हो गया है। हमारे फ़ोन नंबर यहाँ दिखाएगा, वेरीफाई फ़ोन नंबर, ये मतलब हमारे फ़ोन नंबर वेरीफाइड हो चुका है। तो यही था आज के इस वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक यू।